नमस्कार प्यारे बच्चों इस वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज एट पॉइंट वन कर रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेटमेंट क्या है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर कैलकुलेट कोस एंड टेंजेंट ए किसी ट्रैंगल में हमें नहीं पता क्या है बट वहाँ पर एक, एक एंगल ए ज़रूर है उसको हम एक्यूट एंगल ले लेते हैं मान लीजिए हमारे पास ये ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रैंगल यहाँ पे हमें क्या दिया वा? साइन ए इज इक्वल टू सी बाई फोर अब ये एंगल की बात कर रहे हैं हम ये हमारा क्यूट एंगल बेस ये होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ठीक है एंड ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज हुआ यहाँ पे साइन ए की वैल्यू थ्री ओपॉन्ट फोर साइन ए क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थ्री अपोन फोर ये वैल्यू हमें की बन है टेंजेंट ए निकालना बहुत ही आसान सा है सोल्यूशन लेट इन ट्रैंगल ए बी सी इन ट्रैंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल ट्र एंगल होगी हमें राइट एंगल एट बी है तो यहां पे इन्होंने क्या रेश दिया हुआ है साइन ए साइन ए इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर दिया हुआ है ठीक है साइन थीटा के किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी अपॉन ए सी बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है थ्री अपॉन फोर हो गया सो लेट बी सी इज इक्वल टू थ्री के एंड ए सी इज इक्वल टू फोर के अब मैंने के क्यों लिया है अगर थ्री अपॉन फोर की जगह क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है थ्री अपॉइन फोर रेशो में है इन साइड का जो रेशो है वो थ्री अपॉन फोर है ये सिक्स अपॉन एट हो कैंसिल होके ये भी क्या बनेगा थ्री अपॉइन फोर अगर हम नाइन अपॉन ट्वेल्व की बात करें ये भी क्या बनेगा थ्री अपॉन फोर तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट ये थ्री सेंटीमीटर अपॉन फोर सेंटीमीटर है या कितना है ठीक है हो सकता है ये सिक्स सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर इसीलिए हम क्या लगा लेते हैं इसके के साथ में लगा लेते हैं एंड के इज ए पॉजिटिव नंबर तो अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई थ्री के वैल्यू हमारे पास होगी फोर के वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है क्या होगा बाई पाइथागोरस थोरम बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर फोर के का होल स्क्र होगा ए बी स्क्वेयर हमारे पास फाइंड आउट करना है और बी सी स्क्वेयर हमारा कितना है थ्री के होल स्क्वेयर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी सिक्सटीन के स्क्वेयर इसको इधर ले आए तो ये माइनस नाइन के होगा दिस इज ए बी स्क्वेयर सेवन के स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर सो ए बी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस साइड माइनस में नहीं होगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा रूट सेवन के सेवन का रूट सेवन के स्क्वेयर का क्या हो गया के हो गया सो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट सेवन रूट सेवन के ठीक है अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कोसे की कोस ए कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़ बेस अपॉन हैपटेन्यूज मीन्स ए बी अपॉन ए सी अब ए बी हमारा कितना हुआ रूट सेवन के ए सी हमारा कितना है फोर के के से के कैंसिल करोगे तो रूट सेवन बाई फोर हमारा आंसर आ जाएगा इसके साथ साथ टेंजेंट ए की अगर हम वैल्यू बात करें टेंजेंट ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स बी सी अपॉन ए बी बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है थ्री के ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है रूट सेवन के कैसे के कैंसल थ्री अपॉन रूट सेवन ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर रूट नीचे नहीं रखना तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं मीन्स थ्री रूट सेवन अपॉन क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा ठीक है बहुत ही आसान सा था बड़ा इंटरेस्टिंग सा है चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में गिवन फिफ्टीन कोटे इज इकल टू ए फाइंड साइन ए एंड सी ए यहां पर भी हम एक ट्रैंगल ले लेते हैं जिसमें ए हमारा एक्यूट एंगल रहेगा इसको हमने बी मान लिया नाइन्टी डिग्री एंड सी सोल्यूशन इन ट्रैंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री ये एक्यूट एंगल है हमें क्या दिया हुआ है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 सो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर जाके डिवाइड होगा 8 अपॉन 15 अब सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये हमारा साइन कोस एंड टेंजेंट इनका उल्टा कोट इसका उल्टा होता है इन्वर्स कर दीजिए बी अपॉन पी दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर अब हमारा ये बेस था और ये हमारा परपेंडिकुलर है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है सो बेस हमारा कितना है ए बी यहां पर वैल्यू ए बी कितना हो जाएगा एट के होगा परपेंडिकुलर ये हमारे पास कितना हो जाएगा फिफ्टीन के इसको हमें जूम कर लेते हैं दैट इज ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी सो लेट ए बी इज इक्वल टू एट के एंड बी सी इज इक्वल टू फिफ्टीन के वेर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय थ्योरम, को एसी स्क्वेर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वे एबी एट के का स्क्वेयर बी सी फिफ्टीन का स्क्यर एट के का स्क्वेयर कितना होता है सिक्सटी फोर के स्क्वेयर प्लस टू ट्वेंटी फाइव के स्क्वेयर टू एट्टी नाइन के स्क्वेयर सो so ए सी की वैल्यू ये सेवनटीन इंटू के टू एटी नाइन का स्क्वेयर रूट सेवेंटीन 17 होगा सेवनटीन के सो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी सेवनटीन के अब कोई भी वैल्यू निकालनी है आसानी से निकाल सकते हैं क्या कह रहा है साइन ए साइन ए वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइवटेन्यूज परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी बी सी अपॉन ए सी बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है फिफ्टीन के ए सी की वैल्यू अब कितनी आ गई सेवनटीन के कैंसिल होके फिफ्टीन बाई 17 हो गया आगे क्या निकालना है सीकेंट ए सीकेंट ए, सीकेंट ए किसका उल्टा होता था कोस का तो एच अपॉन एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हैप्पी हमारा क्या है ए सी है बेस हमारा क्या है ए बी है सो ए सी की वैल्यू सेवनटीन के बेस की वैल्यू एट के कैसे के कैंसिल होके 17 बाई एट आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए अब क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन सिकेंड थीटा इजकल टू थर्टीन ट्वेल्व कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस एंगल के साथ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने फाइंड आउट करने हैं मान लीजिए हमारे पास ट्रेंगल पिछले क्वेश्चन तरह हम यहाँ पे भी डट दिस इज ए बी एंड सी और इस ए को हमने क्या मान लिया थीटा क्योंकि यू ट्रैंगल के साथ ही इनका रेशो लिया हुआ है सो सी थीटा की वैल्यू थर्टीन ओपोन ट्वेल्व और बी हमने नाइन्टी लिया हुआ है सोल्यूशन देखिए लेट इन एंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए इज थीटा डिग्री ठीक है हमें क्या गिवन है सीकेंड थीटा इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन ट्वेल्व पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सीकेंड थीटा ये साइन कोस एंड टेंजेंट सीकेंड इसका उल्टा होता है कोस का सो एच अपॉन बी दिस इज एच अपॉन बी हाइपटेन्यूज अपॉन बेस ये हमारा हाइपटेन्यूज होगा ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी थर्टीन के और इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे ट्वेल्व के सो देट इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी लेट ए सी इज इक्वल टू थर्टीन के एंड ए बी इज इक्वल टू ट्वेल्व के क्या यूज़ करेंगे पाइथागोस्थोरम बाय पाइथागोर छोरम ए ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर ट्वेल्व के का स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर हमने फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर वन फोर्टी फोर के स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी थर्टीन के का स्क्वेयर ये हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन के स्क्वेयर इधर जाके माइनस करोगे वन सिक्सटी नाइन में से वन फोर्टी फोर ट्वेंटी फाइव सो बी सी स्क्वेयर की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास ट्वेंटी फाइव के स्क्वेयर एंड बी सी इज इक्वल टू फाइव के बी सी इज इक्वल टू फाइव के तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइव के होगी अब सारे के सारे रेशो निकाल सकते हैं सिकेंड थीटा तो हमारे पास आ ही गया है हम साइन थीटा की अगर हम बात करें साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइप्टूज परपेंडिकुलर हमारा बी सी बी सी अपोन ए सी बी सी अपन ए सी बी सी क्या है फाइव के ए सी हमारे पास कितना है थर्टीन के कैंसल फाइव अपॉन थर्टीन हो गया साइन का उल्टा ले लीजिए कोसिकेंड थीटा एच अपॉन पी होगा दैट इज़ ए सी अपोन बी सी होगा ए सी के वैल्यू थर्टीन के डिवाइडेड बाई फाइव के थर्टीन अपॉन फाइव या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ऐसे ही हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू ये है सीकेंड थीटा कितना दिया हुआ है 13 अपॉन ट्वेल्व तो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा 12 अपॉन थर्टीन क्यों क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा होता है ठीक है या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्वेल्व के अपॉन थर्टीन के दैट इज ट्वेल्व अपॉन टेंजेंट थिट्टा टेंजेंट थिट्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर हमारा बी सी अपोन ए बी देट मीन्स फाइव के अपॉन ट्वेल्व के से के कैंसल फाइव अपॉन कितना हो गया ट्वेल्व हो गया टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट थिट्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपोन बी सी ट्वेल्व के अपॉन फाइव के कैंसल होकर ट्वेल्व फाइव डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गए तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बड़ा ही आसान सा है चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।